हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की बड़ी खबर, आईपीएल 2023 का आज 15वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा। तो दोस्तों, क्या होगी दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और कौन सी टीम यहां जीतेगी, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ बताएंगे कौन से स्टेडियम में और कितने समय शुरू होगा आईपीएल 2023 का 15वां मुकाबला। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2023 के 16वें सीजन का 15वां मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की भिंडंत लखनऊ सुपर जायंट्स से होगी। दोस्तों, पिछले मुकाबले में बैंगलोर का हाल बेहाल हुआ था और टीम को कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी थी। वहीं लखनऊ ने अपने लास्ट मैच में जमकर गर्दा उड़ाया था, सनराइज हैदराबाद को पटकनी दी थी। दोस्तों, के आर राहुल की अगुवाई में लखनऊ ने अब तक खेले 3 मैचों में से 2 में जीत का स्वाद चखा है, जबकि चेन्नई के खिलाफ टीम को हार झेलनी पड़ी थी। वहीं आरसीबी ने 1 मैच में जीत का स्वाद चखा है तो 1 में टीम को हार मिली है। दोस्तों, जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी आरसीबी, यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम अपने घरेलू मैदान पर जीत की पटरी पर लौटने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। केकेआर के खिलाफ स्टार खिलाड़ियों ने यानी सजा टीम का बैटिंग ऑर्डर बुरी तरह से फ्लॉप रहा, यानी कोहली, फाब्डू प्लेसिस और मैक्सवेल केकेआर के खिलाफ सस्ते में पवेलियन लौट गए थे। तो दिनेश कार्तिक और शहबाज अहमद भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए थे। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि बेंगलोर के गेंदबाजों ने भी पिछले मैच में अपने प्रदर्शन से बेहद निराश किया था। सिराज और हर्षल पटेल ने दिल खोलकर रन लुटाए थे, जबकि अर्शदीप और माइकल ब्रेस का भी हाल बेहाल था। रील पॉपली के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम ने आए बेन पोवेल को आरसीबी प्लेन 11 में मौका दिया जा सकता है। दोस्तों, लखनऊ ने दिखाया था नवाबी खेल, यानी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के पिछले मैच में अपने प्रदर्शन से जमकर गर्दा उड़ाया था। कुणाल पांडे ने गेंद और बल्लेबाजों से जमकर कहर बरसाया। अनुभवी स्पिनर अमित शर्मा ने अभी अपने स्पिनर जाल में हैदराबाद के बल्लेबाजों को बुरी तरह उलझाने में सफल रहे थे। बल्लेबाजी में लखनऊ की ओर से कायमियर्स का प्रदर्शन अब तक टूर्नामेंट में बेहद उम्दा रहा है। हैदराबाद के खिलाफ कप्तान राहुल भी अच्छे टच में दिखाई दे रहे हैं और उन्हें 35 रनों की पारी खेली। वहीं कुणाल पांडे ने तेज गेंदों पर 34 रनों की आतिश पारी खेली थी। आरसीबी के खिलाफ क्वार्टन डीकॉक लखनऊ की टीम की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, क्या है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की संभावित प्लेइंग 11। विराट कोहली, फाब्डू प्लेसिस कप्तान, माइकल ब्रेसवेल, गिनेल मैक्सवेल, हर्षल पटेल, शहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, डेविड मिली, करण शर्मा, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज। लखनऊ सुपर जायंट्स की संभावित प्लेइंग 11, कायन केएल राहुल कप्तान, क्वार्टन डीकॉक, दीपक हुड्डा, कुणाल पांडे, मार्क स्टोनिस, निकोलस पूरन, अमित मिश्रा, यश ठाकुर, जयदेव उनाडकर, रवि बिश्नोई। दोस्तों, ये दोनों टीमें आज शाम 7:30 बजे एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेलेंगी। और दोस्तों, यहां आज फिर एक बार लखनऊ सुपर जायंट्स जीतने की संभावना है। दोस्तों, आपको कौन सी टीम जीतने की संभावना लग रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना आईपीएल के ताजा अपडेट जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।